नमस्कार किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस सप्ताह के लिए समसामयिक सलाह। सबसे पहले सामान्य सलाह, किसान भाइयों सोयाबीन की जो कम समय में पकने वाली किस्में हैं वो अभी दाने भरने की स्थिति में है और इसमें यह देखा जा रहा है कि सोयाबीन की फलियां टूट टूट कर गिर रही है और प्रायः यह देखा जाता है ये चूहे द्वारा निर्मित स्थिति है। अतः आपको ये करना है कि चूहे के प्रबंधन के जितने भी समुचित उपाय हैं, जैसे कि बाज़ार में इसके लिए विष प्रलोभक आते हैं जैसे कि बिस्किट या केक, या जिंक फॉस्फाइड मिश्रित आटे की गोलियां बनाएं और अपने खेत में मेड़ के किनारे रख दें जहां पे आमतौर पे चूहे के बिल होते हैं। किसान भाइयों, अब इस समय पे सोयाबीन की फसल में फूल लगे हुए हैं, फूल की अवस्था में है और इस स्थिति में यह प्राय होता है कि कुछ इल्लियाँ फूलों को खा जाती है और जिससे कि अफलन की स्थिति बन सकती है। तो अतः आपको यह करना है कि इससे बचने के लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं जिसकी सूची आपके स्क्रीन पे दी जा रही है, इसमें से किसी एक का लेके आप अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करें। साथियों, कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में वाइट ग्रब यानी कि सफ़ेद सुंडी देखी गई है जो कि ज़मीन के अंदर रहती है और इसको नियंत्रित करने के लिए आपको यह सलाह है कि क्लोरपायरीफॉस 2.5% दानेदार जो आता है, जो कि 16 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से रेत के साथ में मिला के सोयाबीन की कतारों के बीच में प्रयोग करें। साथियों, इसके साथ में आप अपनी फसल में पक्षियों की बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं जो कि फसल में आके इल्लियों को अपने आप खाएंगी। किसान भाई, अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की, और यदि आपकी फसल में केवल चक्रभृंग है यानी कि गर्डल बीटल है तो इसके नियंत्रण के लिए सलाह है कि 3 दवाइयों के नाम आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इसमें से किसी एक का लेके छिड़काव करें और साथ ही साथ जो फसल का ग्रसित भाग है उसको अपने खेत से या पौधे को निकाल के बाहर कर दें। लेकिन यदि आपकी फसल में चक्रभृंग भी है और उसके साथ साथ पत्ती खाने वाली इल्लियाँ भी है तो इसके लिए नियंत्रण की जो दवाइयाँ हैं, जो 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन दवाइयाँ जो कि आपके स्क्रीन पर दी जा रही है, उसमें से किसी एक का लेके आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में केवल चने की इल्ली जिसको कि हेलिकोवर्पा कहते हैं उसका प्रकोप हो तो उसके नियंत्रण के लिए सबसे सिंपल उपाय तो यह है कि फेरोमोन ट्रैप जो कि हेलिल्यूर के नाम से आता है उसको लगाएं जगह जगह पे, और साथ ही साथ जो अनुशंसित दवाइयां हैं कीटनाशक इनमें से किसी एक का लेके आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में तना मक्खी का प्रकोप अभी भी बना हुआ है और इसके लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं बीटा साइफ्लुथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थायमिथाक्सम प्लस लैमडासाइहेलुथ्रिन, इसमें से किसी एक का लेके आप छिड़काव अपनी फसल पे कर सकते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में अभी भी पीली मोजाइक वायरस और सोयाबीन मोजाइक वायरस ये जो विषाणु जनित बीमारियां है उसका प्रकोप अभी देखा जा रहा है और सलाह तो यह है कि प्रारंभिक अवस्था में ही अपने जो इससे जो ग्रसित पौधे हैं उसको उखाड़ के अपने खेत से बाहर कर दें और इसके जो वाहक हैं जैसे कि सफ़ेद मक्खी और एफिड, इसके नियंत्रण के लिए जो कॉम्बिनेशन इंसेक्टिसाइड है थायमिथाक्सम प्लस लैम्ब्रासाइलोथ्रिन या बीटा साइफ्लुथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इनमें से किसी एक का लेके ये सफ़ेद मच्छर और एफिड दोनों जो रस चूसने वाले कीड़े हैं इसका नियंत्रण आप कर सकते हैं जिससे कि ये बीमारी अन्य स्वस्थ पौधों के ऊपर न जा पाए। किसान भाइयों, इन दो बीमारियों के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में जो फफूंद जनित जो बीमारियाँ जैसे कि एंथ्रेक्नोज और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट ये भी देखी जा रही है और इनके नियंत्रण के लिए जो फफूंद नाशकों की या रसायनों की सूची आपके स्क्रीन पे दी जा रही है इनमें से किसी एक का लेके आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों इस सप्ताह के लिए साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।